ये बहुत सुंदर लालिमा बिखरी हुई है पूरे देखिए आसमान में। ये है पश्चिम का नज़ारा, पश्चिम में पश्चिम दिशा का नज़ारा, देखिए कितना खूबसूरत है। अब ये गाना गाना बनता है, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी पाखी अनामिका में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट हेमंत। तो अभी यहाँ पर टाइम हो गया है, अभी इंडिया के टाइम के हिसाब से बज गए हैं रात के 1 और यहाँ पर बज गए हैं 8:30। 4.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आज मैं एक मूवी देख रही थी, मूवी थी करीब करीब सिंगल। करीब करीब सिंगल बहुत बहुत ही एक कॉमेडी है, हास्य का पुट है, और जो बोलते हैं कि एक लव स्टोरी, एक मैच्योर पर्सन की लव स्टोरी, एक 30+ की लव स्टोरी, 40+ की क्या होती है, वो उसमें बहुत सुंदर तरीके से उसका चित्रण किया गया है। उसका छायांकन बहुत अच्छा है, यानी कि स्क्रीन प्ले। और अगर मैं सही हूँ, इसका अनुवाद मैंने सही किया है। और इस मूवी के जो किरदार हैं, योगी और जया, जया एक साउथ इंडियन तमिलियन लड़की का रोल प्ले कर रही है, और जो योगी है वो एक नॉर्थ इंडियन है जो कि मुंबई में रहते हैं दोनों। एक जॉब करता है, दूसरा शायर है, किसी बीमा कंपनी में लड़की जॉब करती है और लड़का शायर है। दोनों एक वेबसाइट के थ्रू मिलते हैं और फिर जो केमिस्ट्री हमें देखने को मिलती है वो काबिले तारीफ है। योगी का कैरेक्टर ऐसा है कि जो मन में आए बोल दो, कुछ मन में मत रखो, और उसके कैरेक्टर को निभाया है इरफान खान ने। ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर इरफान खान को देखकर लिखा गया था। अगर मैं उस कैरेक्टर में और किसी एक्टर को रख के देखती हूँ तो मैं शायद उस कैरेक्टर के साथ ये नाइंसाफी हो जाएगी। इरफान खान ने उस कैरेक्टर को जिया है। और बात करें साउथ इंडियन एक्ट्रेस पार्वती की, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उस लड़की की भावनाओं को जाहिर किया है, जो बहुत आसान नहीं है क्योंकि कभी कभी वो ओवर एक्टिंग भी होती है, लेकिन उसमें बहुत सुंदर तरीके से पार्वती की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसको जिया है, उन्होंने भी इस कैरेक्टर को बहुत सुंदर तरीके से जिया है और अभिव्यक्त किया है। कहानी कुछ ऐसी है कि दोनों साथ जाते हैं घूमने के लिए कजिन बनकर, क्योंकि लड़की को अनकंफर्टेबल फील होता है कि वो कैसे भरोसा कर ले किसी के भी ऊपर। तो इस कहानी को देख के बहुत मज़ा आया, बीच बीच में हंसी भी आई, इमोशनल भी हुई। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं इमोशनल फूल, तो हमें इमोशनल फूल नहीं बनना है, लेकिन इमोशंस तो होने चाहिए हर इंसान में। वो चाहे प्यार का हो, चाहे क्रोध हो, चाहे नफरत हो, चाहे स्नेह हो, वात्सल्य हो एक माँ का, चाहे ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ये सारे भावनाएं तो होती हैं, इमोशंस तो होते हैं। विदाउट इमोशंस तो मिट्टी के पुतले हैं हम, कुछ नहीं है। तो मेन इस मूवी को देख के यही समझ में आया कि जो जया है, जया शशिधरन, वो एक विडो है और वो अपनी एक इमेजनरी दुनिया में ही जी रही है कि उसका पति मानव अभी भी उसके साथ है और वो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। लेकिन योगी जब उसकी लाइफ में आता है तो बहुत सारी बातों को वो ये बता देता है कि भाई ऐसा नहीं होता है, दुनिया जो है प्रेजेंट में रहती है, ना ही दुनिया आपकी पास्ट में रहती है ना ही फ्यूचर में, जो कुछ भी है वो प्रेजेंट में। तो सिर्फ इस क्षण को, इस पल को, इन लम्हों को जिए, जी लीजिए और बाकी सारी बातों को भूल जाइए। होता क्या है
कि हम आज कल परसों की चिंता में क्या सोचते हैं कि भाई सपोज अगर कोई स्टूडेंट है वो फ्यूचर का प्लान करता है, प्लान फ्यूचर का करना चाहिए लेकिन उसके लिए अपने प्रेजेंट को बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ तो आप मानते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, धीरे से वो लाइफ में अगर उसको अच्छा उसका परफॉर्मेंस होता है, वो पढ़ाई प्रेजेंट में अच्छी करता है तभी उसका फ्यूचर अच्छा होता है। आप प्रेजेंट के बलबूते फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं लेकिन अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप प्रेजेंट में ही जीना सीख लीजिए। अगर आप प्रेजेंट अच्छा जिएंगे तो आगे आने वाला फ्यूचर ऑफकोर्स अच्छा होने वाला है, नो डाउट, है कि नहीं? सही बात बोल रही हूँ ना? आप भी एग्री करेंगे जब आप इसको देखेंगे वीडियो को। तो इसमें मेरा मानना हमेशा से यही है कि प्रेजेंट को अच्छे से जी लो। जितना जो कुछ भी करना है बस इसी पल में है, आप क्या कर सकते हैं कर लीजिए, उसके बाद आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब रही बात, एक बात और मुझे करनी थी कि कुछ गम है, गमों की लिस्ट सबकी बहुत लंबी है। अगर आप एक गम अपनी परेशानी बताएंगे ना, सामने वाला आपको पांच गिना देगा कि भाई मुझे तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप प्रेजेंट को जीना सीख लीजिए। और आज के इस दौर में लॉकडाउन ने हम सबको एक बहुत बड़ा लेसन बताया है कि आपको अच्छे बुरे अपने पराए सबका भान हो गया है। भान मतलब कि ज्ञान हो गया है। तो इस लॉकडाउन में एक चीज और पता चली है कि भाई जो आज का दिन है, अगर आपने आज के दिन अच्छे से तैयारी कर ली, आप घर से बाहर नहीं निकले, आप मुझे किसी तीसरे चौथे पांचवे इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग यदि इकट्ठे घर से बाहर नहीं निकले तो उसका फायदा हमें देखने को मिलेगा। अब बात आपके लिए अच्छी हो सकती है कि आप अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाइए। आज की डेट में प्रेजेंट अच्छा यही हो सकता है कि आप अपने घर में रहिए, सुख से रहिए, खाइए पिए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, या कुछ आपकी जो हॉबी होगी जो छूट गई जिनके लिए टाइम ही नहीं है वो आप हॉबी अपनी लेके बैठ सकते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा पोइट्री लिखते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखते हैं इन द सेंस कि बहुत सारे कुछ होते हैं ना गद्य, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। कुछ लोगों का शौक होता है वो कुकिंग में बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप वो लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ लोग DIY करके बहुत सारी घर के आइटम्स बनाते हैं, कुछ लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, मैं भी ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने भी। तो आप कुछ लोग डायरी लिखते हैं जैसे मैं लिखती हूँ, आप लिखिए डायरी। भाई घर में आपको कितना भी काम हो, आप कितने भी व्यस्त हो, पहली बात तो ये है कि मेरे दादाजी हमेशा ये बोलते थे, जो ये बोलता है ना बेटा कि जो बहुत व्यस्त है वो एक्चुअल में बहुत अस्त व्यस्त है, उसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है लाइफ में। मेरी जो मदर इन लॉ है उनका कहना भी यही है कि भाई आप सुबह से अपना सारे काम निपटाइए और कुछ समय अपने आप को भी दीजिए। और मैं अपनी सास की तारीफ करना चाहूंगी, माई मदर इन लॉ शी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग कि आपका टाइम टेबल क्या है। पहले मैं इस चीज पर गौर नहीं देती थी क्योंकि मैं कॉलेज जा रही हूँ, पढ़ के आ गई हूँ, फिर पढ़ाने पहुंच गई हूँ, फिर जॉब कर रही हूँ, अपना पर्स फेंका, बिस्तर पे खाना खाया, सो गए, टीवी देखी, काम खत्म। लेकिन जब आप एक गृहस्थ जीवन में आते हैं ना तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि यदि आपका टाइम टू टाइम काम होता जाता है ना तो आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, वेदर यू आर वर्किंग और नॉट। अगर आप बाहर काम भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता अरे भाई आप तो घर में रहते, भाई घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं। और जब हम लोग अपने भारत से, अपने मतलब एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, तब हमें आइडिया होता है कि यहाँ पे कोई नौकर नहीं मिलते आपको। जैसे इंडिया में मेड मिल जाती ना इजीली, कि आपके बर्तन भी धो दिए, आपका खाना के लिए कुकिंग के लिए भी एक कुक मिल गया, और कपड़े भी धुल रहे हैं, वॉशिंग मशीन है, मतलब बहुत सारे आपके कंफर्ट होते हैं, कंफर्ट जोन होता है, उसमें आप आराम से सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सारा काम खुद से करना पड़ता है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि जितना आप कमा रहे हो उतने में आप ये सारी चीज़ें करें। एक घंटे का खर्चा £20 होता है,
मतलब 1 घंटा यदि कोई आपका 1 दिन आएगा तो आपको लगभग 1800 रुपये देना पड़ेंगे 1 दिन के। आप दे सकते हैं, वेस्ट ऑफ मनी है। इससे अच्छा आप खुद से काम करिए, नहीं तो आप घर में बैठे बैठे मोटे हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? प्रेजेंट को अच्छा बनाइए। प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए हर दिन को ऐसे जीना है जैसे यही आज का दिन है, हमें भगवान ने आज का दिन दिया है जिसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और हर दिन सुबह उठते ही साथ हम लोगों को क्या सिखाया जाता था? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब जो आखिर वाला कर अग्र, मतलब ये जो पाम है उसका जो पहला स्टार्टिंग का पॉइंट है, आगे का भाग, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हमें भगवान को, आप किसी भी भगवान की इबादत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सब भगवान एक ही है। बाकी सब हमारी बातें हैं कि हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, बाकी अंतरिक्ष में तो सब एक ही है। मेरा मानना तो यही है, वो तो हमारी मान्यताएं हैं कि हम किसको मान रहे हैं किसको नहीं मान रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है कि आप सबसे पहले उठकर भगवान को नमस्कार करिए, जिससे आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा जाएगा। और मैं फिर से उसी पॉइंट पे लौट के आ रही हूँ कि प्रेजेंट को अच्छा बनाइए। बिल्कुल भी करना है, आपका फ्यूचर अपने आप एक नंबर बनने वाला है। इंदौरी भाषा में एक नंबर भाऊ, भैया भैया, एक नंबर बनेगा आपका। तो आपको क्या करना है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अपने दिल की सुनना है। और जो आपको अच्छा लगता है ना, जो आपकी हॉबी है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप वो करिए इन दिनों में। और मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मेरा आजमाया हुआ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कहीं से पढ़ के या कोई बातें बहुत बहुत अच्छी सीख की बातें, दादी माँ के नुस्खे, ऐसा नहीं है। जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, जो मैंने अपनी लाइफ से सीख रही हूँ, वही मैं दूसरे के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो समझदारी यही है कि हर दिन को बहुत अच्छे से जीना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके साथ जो लोग रह रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इन चीज़ों से। यदि आप खुश हैं तो वो लोग ऑटोमेटिकली खुश कैसे होंगे? अगर मैं बहुत गुस्सा करने लगूं और मैंने मुझे गुस्सा आया, साथ में दूध भी उबल रहा है और मैं जा रही हूँ किचन में, दूध उबल रहा है, साथ में फ़ोन में ऐसे लगाए हुए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, और उसके साथ मेरा बच्चा खेल रहा है, और उतने में दूध भी उबल गया, मेरा फ़ोन भी नीचे गिर गया, वो भी गिर गया, उससे बैटरी निकल गई और बच्चे में 3 जड़ दिए मैंने, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। इससे अच्छा अगर मैं टाइम मैनेज करके चलती कि अभी दूध उबल रहा है, फोन बजने दो, रिंग करने दो, साइलेंट पे कर दो, बच्चा खेल रहा है उसको देख रही हूँ, दूध बंद कर दिया, फोन पे बात कर ली, बच्चा भी खुश मैं भी खुश। तो मल्टीटास्किंग नहीं करना, अभी फिलहाल एक चीज पे फोकस करना है, वो है आपका प्रेजेंट। उस पर फोकस करिए, उसको बहुत अच्छा बनाइए। और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो हमें प्रेरणा दे सकती है, और उन वो प्रेरणा स्रोत हम अपने जीवन में ला सकते हैं, और वो हमारे जीवन को बहुत उम्दा बना सकती है। मेरा मानना तो यही है। तो ऐसी मूवीज देखते रहिए जो आपको प्रेरणा दें, क्योंकि आप भी किसी की प्रेरणा है, ये मत भूलिए। आप भले ही आप घर में रहती हूँ, या अगर आप घर में रहते हैं तो भी आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आपसे जो छोटे हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, और जो आपसे बड़े हैं वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जो आपके दोस्त हैं, जो फ्रेंड सर्कल्स में हैं, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई आफ्टर 5 ईयर्स आप कहाँ होंगे। मैं 5 ईयर्स का नहीं सोचती हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि कल मैं कहाँ होंगी, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट में सोच रही हूँ ना, तो कल मेरा अच्छा होगा ही, उसकी तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर हम आज अच्छे से जी रहे हैं तो कल की हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और यही एक अच्छी प्लानिंग होती है समझदार व्यक्ति की। तो बस आज की बात यही है। करीब करीब सिंगल में इरफान खान ने बैठ के गंगा के किनारे देहरादून में एक गीत गुनगुनाया था, जो सचिन ने भी गाया था पुरानी मूवी में, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये
ये नदिया ये रैना और तुम ही। सुंदर से अल्फाजों के साथ आज अपनी वाणी को देती हूँ मैं विराम, और आई होप कि आप इस बात पे गौर जरूर फरमाएं कि अपने आज को आज से अच्छा बनाएं। इसी अभिलाषा के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।